दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग जानते ही हैं कि BTS ने अनाउंस किया था कि अक्टूबर 15 को उनका ग्लोबल कॉन्सर्ट होने वाला है, जो कि फ्री होगा। दोस्तों, यही नहीं बल्कि अपनी हिस्ट्री में पहली बार BTS ने इतने बड़े लेवल पर एक फ्री कॉन्सर्ट अनाउंस किया था। हालांकि दोस्तों, बेस्ट बात तो ये थी कि इंडियन आर्मीज भी इस कॉन्सर्ट को फ्री में देख सकती थी, वो भी ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम करके। हालांकि दोस्तों, काफी सारी आर्मीज बहुत ही दिनों से हमसे पूछ रही थी कि आखिर वो BTS के कॉन्सर्ट को कैसे देख सकती हैं, क्या उसके लिए टिकट खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों, फाइनली वीवर्स पे हाइब ने अनाउंस कर दिया है कि BTS के इस कॉन्सर्ट को फ्री में कैसे देख सकते हैं। और दोस्तों, खास बात तो ये है कि इसे देखने के लिए आपको किसी भी टिकट को खरीदने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, वैसे तो BTS का ये कॉन्सर्ट हर किसी के लिए फ्री है, लेकिन जो भी लोग इसे देखने जाने वाले हैं उनको बुकिंग और रिजर्वेशन फीस देनी पड़ती। लेकिन दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम करने के लिए आपको इस कॉन्सर्ट को देखने के लिए एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, हर बार की तरह आपको अपना टिकट भी बुक नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, BTS ने अनाउंस किया है कि आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग वीवर्स ऐप के थ्रू ही कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके लिए आपका अकाउंट वीवर्स ऐप पर होना काफी ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपका वीवर्स अकाउंट नहीं चल पाया है तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप यूट्यूब पे उसे सर्च करके अपना वीवर्स अकाउंट फटाफट से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, BTS के इस फ्री कॉन्सर्ट का टाइम है 15 अक्टूबर 2022। और दोस्तों, इसका टाइम है 6 PM KST यानी कोरियन टाइम में। दोस्तों, BTS ने हाइप के थ्रू अनाउंस किया है कि एक्चुअली इस कॉन्सर्ट को आप दो तरीके से देख सकते हैं, या तो अपने मोबाइल पे या फिर PC पे, या फिर वीवर्स का जो TV ऐप होता है उस पर भी आप देख सकते हैं। दोनों ही ऐप्स में जाकर आपको लाइव मीडिया का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों, इसके काफी सारे एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स भी बताए गए हैं, जैसे कि PC में कौन कौन से मॉडल वर्क करेंगे, मोबाइल में एंड्रॉइड 5 या फिर iOS 10 से ऊपर के ही चाहिए। और दोस्तों, TV ऐप में भी सैमसंग के इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर LG के इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको वीवर्स का ऐप अवेलेबल मिल जाएगा। दोस्तों, खास बात तो ये है कि काफी सारे आर्मीज को पता चला कि एक्चुअली इस कॉन्सर्ट को लाइव स्ट्रीम करवाने के लिए ही वीवर्स ने अपने ऐप में लाइव का ऑप्शन ऐड किया है। क्योंकि दोस्तों, वीवर्स ने कुछ ही समय पहले अनाउंसमेंट में बताया था कि ये कॉन्सर्ट ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा। दोस्तों, यही नहीं बल्कि वीवर्स के थ्रू उन्होंने ये भी बताया है कि इस कॉन्सर्ट में काफी सारे स्पेशल गिफ्ट भी होंगे, जो कि वीवर्स शॉप में अवेलेबल होंगे। दोस्तों, बताया गया है कि इसकी एलिजिबिलिटी उन सभी लोगों के लिए है जो BTS का लाइव स्ट्रीम कॉन्सर्ट देखने वाले हैं। और अगर आपको कोई भी ऑनलाइन डिजिटल गिफ्ट मिलेगा तो अक्टूबर 19 तक आपको अपनी वीवर्स शॉप में वो गिफ्ट दिखने लग जाएगा। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि कॉन्सर्ट देखने का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया या फिर नहीं। और जाने से पहले एडोफेक्स 2.0 का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।